हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं अबाउट अ वेरी रिनाउंड बिजनेसमैन जिन्होंने इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली बिजनेस को रीशेप दिया है, मिस्टर रतन टाटा। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी कुछ अर्ली लाइफ के बारे में। रतन टाटा इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ जमशेद जी टाटा, द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप। हिज फादर नवल टाटा, रतन टाटा जी के फादर नवल टाटा, इनको अडॉप्ट किया गया था, गोद लिया गया था। रतन टाटा के दादाजी, उनका नाम भी रतन टाटा था, और उनकी वाइफ नवज बाई, इन्होंने नवल टाटा को अडॉप्ट किया था फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव। टाटा पेरेंट्स, इनके जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे 1940 में When रतन was 7 years old। So जब रतन टाटा 7 साल के थे, 7 years, तब उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे। तब उनके भाई और वो, बोथ ही एंड हिज ब्रदर जिमी, वे रेस्ट बाय देयर ग्रैंड मदर लेडी नवज बाई। तब उनका जो परवरिश है वो किसने किया? उनकी दादाजी, उनकी दादी ने, नवज बाई। स्कूल की बात करते हैं, एजुकेशन की। रतन टाटा अटेंडेड द कैंपियन स्कूल इन बॉम्बे एंड द बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला एंड फिनिश्ड हिज सेकेंडरी एजुकेशन एट द कैथेड्रल एंड जॉन कॉटन स्कूल बॉम्बे। उन्होंने अपना स्कूलिंग जो है वो पूरा किया है कैंपियन स्कूल बॉम्बे से। ही कंप्लीटेड हिज बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1959 में इन्होंने अपना बैचलर डिग्री पूरा किया था, और बाद में एक एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में। बैक इन इंडिया आफ्टर हिज अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, रतन टाटा बिगेन वर्किंग फॉर द टाटा ग्रुप इन 1961। जब ये भारत लौटने से पहले इनको एक जॉब का ऑफर था, एक मल्टीनेशनल कंपनी है IBM, बट इन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और ये वापस आ गए खुद का टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने ज्वाइन किया टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर में, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ टाटास। ड्यूरिंग द 6 years ही स्पेंट एट द जमशेदपुर प्लांट, इन्होंने वहाँ पर टोटल 6 साल बिताए। इन 6 सालों में ही लर्नड बोथ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है उनका टेक्निकल नॉलेज लिया इन्होंने, एंड द कॉरपोरेट वैल्यूज ऑफ द टाटा ग्रुप, और अपने टाटा ग्रुप की क्या कॉरपोरेट वैल्यूज है ये सब उन्होंने जानकारी ली इन 6 सालों में। इन 1968 में रतन टाटा वॉज रिकॉल टू बॉम्बे टू अज्यूम अ मोर सीनियर पोजिशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनको वापस बॉम्बे बुलाया गया, इनको और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ही वॉज गिवन चार्ज ऑफ 2 Sikh companies इन द टाटा ग्रुप। 2 companies ऐसी थी टाटा ग्रुप में जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, अच्छा नहीं कर रहे थे। सिख कंपनीज जिसे कहा जाता है, सिख यूनिट्स का इनको डायरेक्टर बनाया गया, इनको चार्ज दिया गया। उसमें से एक है नाम द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, नेल्को, एंड सेंट्रल इंडिया टेक्सटाइल्स। इट वॉज अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये एक खतरनाक अनुभव जिसे कहा जाएगा हिंदी में, रहा रतन टाटा के लिए। हाउएवर ही मैनेज टू टर्न बोथ कंपनीज अराउंड विद इन अ फ्यू ईयर्स, लेकिन ये इनको कामयाबी मिली, इन्होंने दोनों कंपनीज को एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स में कन्वर्ट किया। दिस एक्सपीरियंस स्ट्रेंथेंड हिम इमेंसली एंड ही वॉज नाउ रेडी टू टेक ऑन लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्योंकि वो तैयार हो चुके थे और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए। इन 1982 हिज मदर वॉज डायग्नोस्ड विद टर्मिनल कैंसर, उनकी माँ को कैंसर की बीमारी हो गई 1982 में। रतन इमीडिएटली फ्लू विथ हर टू न्यूयॉर्क फॉर हर ट्रीटमेंट, और ये उनकी माँ को लेके सीधा चले गए न्यूयॉर्क। ही स्टेड विथ हर फॉर 4 months टिल शी लॉस्ट द बैटल टू द रावेजिंग डिजीज।
चार महीने का समय था वो न्यूयॉर्क में ठहरे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन चार महीनों में रतन हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक एंड टू एग्जामिन अवेन्यूज फॉर द टाटा ग्रुप टू ब्रांच इनटू। इन चार महीनों में रतन टाटा ने बहुत समय लेके विचार किया, देखा कि टाटा ग्रुप को हम कैसे और आगे लेके जा सकते हैं। द वंस डोमिनेंट एंड मोनोपोलिस्ट ग्रुप वॉज नाउ फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन इन ऑल स्पीयर्स ऑफ बिजनेस। इस समय मार्केट में नए नए कॉम्पिटिटर्स आ गए थे। टाटा ग्रुप जो एक टाइम पे मार्केट में लीडर रह चुका है, इस समय बहुत ही कॉम्पिटिशन फेस कर रहा था। हिज टास्क वॉज टू कन्वर्ट द टाटा ग्रुप इंटू हाईली कॉम्पिटेटिव एंड डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब इनके सामने एक ही लक्ष्य था, इनका एक ही काम था कि किस तरह से टाटा ग्रुप को उसी इमेज में, उसी कॉम्पिटेटिव इमेज में वापस लेके आए। ये थॉट आउट अ प्रोसेस, तो उन्होंने इस बारे में विचार किया और एक प्रोसेस बनाई जिसका नाम था 1983 टाटा स्ट्रेटेजिक प्लान। अब इन्होंने इस प्लान के अंदर क्या किया, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द टाटाज हेरिटेज ऑफ मोर देन 100 ईयर्स। अ ग्रुप दैट हैड स्टक टू जेनरिक बिजनेसेस विदाउट डाइवर्सिफिकेशन। With GRD Tata's support, Ratan diversified into contemporary industries like। अब इन्होंने और भी एरियाज में बिजनेस को एक्सपांड करने का प्लान किया। कॉन्टेम्पररी इंडस्ट्रीज का मतलब है यहाँ पे उस समय की जो नीड है लोगों की, उस एरियाज में इन्होंने बिजनेस को एक्सपांड किया। फॉर एग्जाम्पल टेली कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। ही कंसोलिडेटेड, उन्होंने एक साथ लाया सभी कंपनीज को टाटा ग्रुप के अंदर। He consolidated the Tata Group's hold over its near independent component companies while creating a culture of competitiveness within the organization. Slowly, the laid back attitude of the employees and management changed. तो धीरे धीरे सभी लोगों का attitude towards company's goals and objectives बदलने लगा। In 1991, GRD Tata stepped down as the chairman of the Tata Group, naming Ratan as his successor. GRD chairman की पोस्ट से नीचे उतर गए, उन्होंने अपनी जगह चेयरमैन का पोजिशन दिया रतन टाटा को। This move created waves in the world of business. बिजनेस की दुनिया में इस बात पे हलचल होने लगी, क्योंकि ये डिसीजन कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स को अच्छा नहीं लगा। दिस डिसीजन वॉज क्रिटिसाइज बाय दोज हु फेल्ट रतन टाटा लैक्ड एक्सपीरियंस इन रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एट द स्केल ऑफ द टाटा कॉन्ग्लोमरेट ऑफ कंपनीज। तो इतने बड़े ग्रुप को संभालने के लिए अभी रतन टाटा पूरी तरह से तैयार नहीं है, ऐसा उनका मानना था। सम इन्फ्लुएंशियल सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड कंपनी हेड्स ऑफ द टाटा ग्रुप disagreed with Ratan Tata's plans and his leadership in general. तो कुछ जो बड़े executives रह चुके हैं, टाटा ग्रुप के हेड्स रह चुके हैं, वो लोगों ने असहमत रहे टाटा के डिसीजन से। However, Tata remained unwaveringly true to his vision in the face of conflict and opposition. इसके बावजूद, इतना विरोध होने के बाद भी रतन टाटा अपने विजन को लेकर बहुत ही क्लियर रहे और वो काम के साथ आगे बढ़ते गए। ही मेड मेनी चेंजेस टू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप फोकसिंग ऑन इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। उन्होंने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, वो है इनोवेशन और एफिशिएंसी पे। अंडर रतन टाटा स्टवार्डशिप, उनकी लीडरशिप के अंडर अ नंबर ऑफ एक्विजिशंस वेयर मेड विच टर्न टाटा फ्रॉम अ लार्जली इंडियन सेंट्रिक कंपनी इन टू अ ग्लोबल बिजनेस। बहुत सारे एक्विजिशंस किए इन्होंने, दूसरी कंपनीज को टेक ओवर किया, खरीदा, इसीलिए ये इंडिया से बाहर निकल के एक ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुआ। विथ 65% ऑफ देयर रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। इस वक्त 65% जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आने लगा, ग्लोबल बिजनेस से। टाटा टी अक्वायर्ड टेटली, वन ऑफ द लार्जेस्ट टी कंपनीज इन द वर्ल्ड। टेटली के बाद इनका और एक
एक्विजिशन हुआ, टाटा स्टील अक्वायर्ड द कोरस ग्रुप एंड एंग्लो डॉच स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर. द मर्जर क्रिएटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग एंटिटीज इन द वर्ल्ड. ये मर्जर बहुत ही सक्सेस रहा जिसने टाटा ग्रुप को एक सभी बड़ी कंपनीज में से एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के रूप में खड़ा किया. टाटा मोटर्स अक्वायर्ड जगुआर लैंड रोवर विच प्रोड्यूसेस द जगुआर एंड लैंड रोवर व्हीकल्स, टू आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स. दिस गेव द टाटा ग्रुप क्रेडिबिलिटी इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट. तो ये कुछ एक्विजिशंस थे, ये कुछ मर्जर्स थे जहाँ पे ग्लोबली टाटा ग्रुप को एक नई पहचान मिली. रतन टाटा वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द फर्स्ट टोटली इंडिजीनियस इंडियन कार्स सियेरा, स्टेट एंड इंडिका. क्योंकि उनका जो कार्स में शौक है वो बचपन से रहा है. ही पुश्ड द डेवलपमेंट ऑफ द टाटा नैनो, अ कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल कार विच वॉज लॉन्च्ड इन 2008. एक कॉम्पैक्ट कार इन्होंने एक एज अ चैलेंज लेके तैयार किया था जिसका नाम था नैनो. और एक अच्छा सक्सेस रहा ये कॉन्सेप्ट. 1,00,000 रुपये में इन्होंने लोगों को कार पहुँचाई थी. द टाटा ग्रुप वॉज ऑल्सो अ फोर रनर इन द एमर्जिंग सॉफ्टवेयर फील्ड थ्रू रतन टाटाज पेट प्रोजेक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. सो IT में भी इन्होंने बहुत नाम किया. दिस वेंचर्स पुट द टाटाज इन द टॉप एक्लॉन्स ऑफ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी. एग्जिस्टिंग बिजनेसेस वेर इम्प्रूव्ड. तो इसके चलते जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी इम्प्रूव करते गए. And they bounced back into market leadership positions in spite of intense competition. तो competition रहते हुए भी उनके business, मतलब existing business और नए ventures, दोनों market में leaders की position लेते गए. Revenues increased, revenue बढ़ता गया. And people began to recognize that Ratan was taking the Tata Group to undreamed of heights globally. और लोगों को एहसास होते गया कि रतन टाटा टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं. रतन टेन्योर एट द हेल्म हैड्स नॉट बीन विदाउट इट्स शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स. तो इन कामयाबी के बीच में ये जो सब सक्सेस मिलता गया रतन टाटा जी को, इसके बीच में उन्होंने बहुत सारे परेशानियों का और तकलीफ़ों का सामना किया. ही फेस्ड मैनी challenges from his own senior managers. His disagreements with the workers union at Telco's Pune plant in the 1990s turned ugly and threatened to tarnish the fine reputation of the Tata empire which had been built over a century. To kuch workers ke sath, union ke sath inka problem aur senior managers ko leke inka disagreements, is sab cheezon mein inhone bahut pareshaniyan takleefe का सामना किया है. और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इनकी जो रेपुटेशन है रतन टाटा जी की या फिर टाटा ग्रुप की, वो मार्केट में थोड़ी सी ख़राब होने लगी. बट रतन फॉट एंड वन. लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को भी रतन टाटा जी ने बहुत ही समझदारी से हल किया. ओवर द ईयर्स रतन टाटा सॉ थ्रू मेनी सच टफ सिचुएशंस and carried on the legacy of his predecessors capably. Ratan Tata retired from all executive responsibility in the Tata Group on 28 December 2012 को रतन टाटा रिटायर हुए अपनी पोजिशन से, which was also his 75th birthday. He made a comeback as interim chairman in 2016-17 when his successor Saras Mistry was removed as head of the group. तो जब इनका सक्सेसर जो इनके बाद चेयरमैन बना था टाटा ग्रुप का, सारस मिस्त्री को रिमूव किया गया था, तब रतन टाटा ने वापस इसी पोजीशन को संभाला था 2016 और 17 में. टिल द करंट चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन took over. रतन टाटा इज करंटली द चेयरमैन एमेरिटस ऑफ टाटा सन्स, the owner of the Tata Group of companies. He is also the chairman of the two main Tata Trust, Sir Dorabji Tata and Allied Trust and the Sir Ratan Tata Trust.
Apart from the Tata Group, Ratan Tata has served in various capacities in many organizations both in India and abroad. तो टाटा ग्रुप के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे रतन टाटा एसोसिएट रह चुके हैं. ही इज़ अ मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. तो प्राइम मिनिस्टर्स के जो काउंसिल है ट्रेड और इंडस्ट्री को लेके वहाँ पे ये मेंबर रह चुके हैं. द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द RANG सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक पॉलिसी, द प्रोग्राम बोर्ड ऑफ द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंडिया एड्स इनिशिएटिव. बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है वहाँ पे भी ये मेंबर रह चुके हैं. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, साउथ अफ्रीकाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बोर्ड एंड द एशिया पैसिफिक एडवाइजरी कमिटी फॉर द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज टू नेम अ फ्यू. कुछ नाम है ये सब जहाँ पे रतन टाटा एसोसिएट रह चुके हैं. ही हैज़ ऑल्सो बीन ऑन द इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड्स ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन सच एज मित्सुबिशी, द अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप AIG एंड JPMorgan चेस अमंग अदर्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब हम बात करते हैं कुछ अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स जो इन्हें मिले हैं और इन्हें सम्मानित किया गया है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड रतन टाटा द पद्म भूषण इन 2000 एंड द पद्म विभूषण इन 2008. His achievements have also been recognized by the governments of France, Japan, Singapore, Italy and the United Kingdom through knighthoods and medals of merit. He is the recipient of several honorary degrees bestowed upon him by various international universities as well as the Lifetime Achievement Award by the Rockefeller Foundation in 2012. Ratan Tata lives a simple life without the ostentation that usually accompanies a person of his stature. So, इनके status के हिसाब से जो इन्होंने show off करना चाहिए वो ये बिल्कुल नहीं करते हैं. ये बहुत ही simple life रहना पसंद करते हैं. He has repeatedly stressed the need for a level playing field. My dream India is where every Indian has an equal opportunity to shine on merit. तो ये विश्वास रखते हैं मेहनत पे. इन अ कंट्री लाइक आज यू हैव टू ट्राई टू लिव एंड लीड बाय एग्जांपल, नॉट फ्लॉन्ट योर वेल्थ एंड प्रोमिनेंस. तो इनका बोलना है कि दिखावा इससे कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा. अगर आप एग्जांपल नहीं सेट कर सकते हैं तो फिर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, एंकरेज नहीं कर सकते काम करने के लिए. He is known for his views on ethics and high standards and encourages the youth of the country to think of themselves as Indians first instead of prioritizing local, state or religious affiliations. So it was all about this personality, Ratan Tata. Thank you very much.